hello everyone welcome to your channel maneuver education and in this video we will see the most important 50 question from the history and polity so you know these two areas are very important and expected at least one two questions and one or two questions you will see from these two sections of the static gk so basically cmat gk section you know how it's uh, uh, complicated and randomly the question will come but for sure from history and polity there will be the one or two question

फ्रॉ अदर सेक्शन लाइक जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स सारे एरिया से माई टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल शेयर विद यू गाइज सो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज यू विल गट द कंटिन्यू अपडेट्स एंड इफ यू ऑन दिस पी पी डी ये पी डी एफ आपको चाहिए फॉर द रिविजन जो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप वेर आई विल शेयर दिस पी डी एफ so you can easily uh, get and can practice and also you can follow on these social media platform jump and continue exam related sare, uh, uh, updates and notifications release karate, and don't forget to subscribe this channel and also here is the some uh, these programs which will be very helpful for you to get a good marks and score better so for example self-study program where you will get the video lectures handout mock test and a sectional course if you are struggling in any particular section as well as mock test टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ एंड स्टडी मटेरियल लाइक बुक एंड ई बुक्स ओके सो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा एंड ऑफ द वीडियो सबसे फर्स्ट थिंग की हम सारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन को बेसिकली आपको प्रैक्टिस करना है ओके सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस प्रोग्राम सो यू कैन विजिट दिस लिंक एंड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो ओके नाउ मूव टू द क्वेश्चन पार्ट सो देखो क्वेश्चन जो बेसिकली एग्जाम्स में आएंगे जिस ट्रेंड पे क्वेश्चन प्रीवियस ईर में आए हुए उसी टाइप के क्वेश्चन को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं टॉप फिफ्टी क्वेश्चन फ्रॉम द हिस्ट्री एंड पॉलिटी सी द फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक्स डॉक यार्ड सो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन से काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं चाहे वो इंडस रिवर हो एंड हरप्पा हो मोहन जोदारो हो आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग हो इन सब सारे टाइप के क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ बाई द वे आई विल सजेस्ट इसी टाइप के क्वेश्चन की और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो नॉडे सिंगल क्वेश्चन आप छोड़ोगे एंड इजिली यू कैन गेट 15 टू 16 मार्क एंड 15 टू 16 मार्क इज अ वेरी गुड स्कोर इन दिस एग्जाम क्योंकि काफी अनएक्सपेक्टेड uh, क्वेश्चंस होते हैं सीमैट के लिए ओके और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड बुक्स एंड अथर्स आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देन विल डिस्कस इन अपकमिंग अपकमिंग पार्ट सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉट लोथल सो यहां पे मैंने देखो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी दे दिया विच यू कैन रीड यू कैन पॉज द वीडियो अदरवाइज यू कैन ज्वाइन द ग्रुप जहां पे मैं शेयर करूंगा वहां से भी आपको ये मिल जाएगा पूरा डिस्कस करने के लिए बाई द भी इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज नॉट ओनली फिफ्टी क्वेश्चन इस फिफ्टी क्वेश्चन के साथ सम एडिशनल इफॉर्मेशन ऑल्सो आई विल प्रोवाइड विच इज वेरी वेन वेरी फॉर यू एंड फॉर योर प्रिपरेशन सी द बुद्धा अटेंडेड निर्वाणा एट निर्वाणा इट मीन्स वॉट सुप्रीम नॉलेज ऑफ महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध का जो सुप्रीम नॉलेज था इट्स कॉल्ड वॉट सो बेसिकली यहां पे किस किस प्लेस पे उन्होंने अटेंड किया सो so, बोध गया सारनाथ सांची एंड uh, किशनगर सो so, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बोध गया इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है महावीर स्वामी महावीर स्वामी का जो सुप्रीम नॉलेज था इट्स कॉल्ड वॉट इन उसको क्या बोलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसको निर्वाणा बोलते हैं महावीर स्वामी का जो है वो कैवल्य है ओके okay, तो इस टाइप के जो बौद्धिज्म एंड जैनिज्म टू इंपॉर्टेंट रिलीजन है ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नेस्ट है जैनिज्म से पेट करके द रेन ऑफ किस पीरियड में तो क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन को रिवाइज करना है सो so, किस डायनेस्टी में दिस टू सेक्टर वर डिवाइडेड इन जैनिज्म सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मौर्य एंपायर मौर्य मौर्य एंपायर चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में जैनिज्म नेक्स्ट हु वॉज द अथर ऑफ द कादिंबरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले बेसिकली एक क्वेश्चन फिक्स है इसमें सीमेट एग्जाम में रिलेटेड टू द बुक्स एंड राइटर अब वो हिस्टोरिकल बुक भी हो सकता है या फिर करेंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी नॉवल या फिर जो अवार्ड से रिलेटेड जिस बुक को पर्टिकुलर अवार्ड लिटरेचर से रिलेट करके कोई अवार्ड मिला है रिलेटेड क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बानभट्ट बानभट्ट वॉज द वेरी ग्रेट कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन के पीरियड से ही बिलोंग एंड He is a writer of the Kadambri well known uh, uh, you can say romantic play so काफी important है just remember when Alexander invaded India Magad was being ruled by so देखो Alexander के attacks से यहाँ पे जो question पूछा है तो historical जो ancient India का part है वहाँ से सारे एकदम selected questions मैंने लिए और इसी type के questions आपको exams में आते हैं so Nand dynasty Nand dynasty का period है आपको शायद से वो Chandragupt Maurya Kotil जो कौटिल जिसको बोलते ना चाणक्य चाणक्य का कन्वर्सेशन नंद जो घनानंद के साथ है वो आपने शायद वीडियो एंड कुछ सीरियल्स में भी देखे होंगे so, uh, तो यहाँ पे नंद डायनेस्टी नेक्स्ट है हु कंप्लाइट द टेल ऑफ पंचतंत्र तो पंचतंत्र बेसिकली uh, को किसने लिखा है या हु कंपाइल्ड इट काफी इंपॉर्टेंट बुक uh, है काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इसमें सो so, काफी बार पूछा भी गया एग्जाम में तो ये भी क्वेश्चन बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है सो so, यहाँ पे विष्णु शर्मा विष्णु शर्मा बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है एंड बुक्स एंड राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से इस एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है संगम एज इज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ इट मीनस रिलेटेड टू बनारस इलाहाबाद तमिलनाडु एंड खजुराहो किस प्लेस से बिलोंग करता है संगम एज तो काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तमिलनाडु तमिलनाडु याद रखना यहाँ पे पूरा डिटेल्स मैंने दिया विच इज वेरी एंड वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर रिवीजन फर्स्ट मुस्लिम वेमेन हु रूल नॉर्दर्न इंडिया वॉज इट मीन्स जो इंटायर मुस्लिम पीरियड है स्लैब डायनेस्टी या फिर uh, दिल्ली सल्तनत आप देखो एंड मुगल इंपायर इन बोथ पीरियड हु इज ओनली वेमन रूलर इन इंटायर मुस्लिम पीरियड बेसिकली यू कैन से सो रजिया सुल्तान नूरजहां मुमताज आर नन ऑफ दीज सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रजिया सुल्तान काफी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एंड रिपीटेड क्वेश्चन है एज अ हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू

फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है गाइस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बट एज पर दिस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन विच मोहम्मद गोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड फ्रॉम हियर मुस्लिम रूलर पीरियड विल स्टार्ट इन इंडिया एंड यहां से स्लैम डायनेस्टी स्टार्ट होती है ठीक है तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट जहां से टाइमिंग चेंज होता है ऐसे ईयर सारे के सारे ईयर आपको रिमेंबर नहीं करने हैं जहां से कुछ इंपॉर्टेंट टर्न होता है हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चेंज होता है वो ईयर काफी इंपॉर्टेंट होता है हु इज रिगार्डेड एज अ सेकेंड एलेग्जेंडर या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वट इज द नेम ऑफ द सुल्तान हु अज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी सिकंदर सानी का टाइटल किस सुल्तान ने अज्यूम किया था या फिर हु इज नोन एज अ सेलेगजेंडर सो अलाउद्दीन खिलजी काफी फेमस है अलाउद्दीन खिलजी का नाम याद रखना एंड ऑल्सो अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी फेमस फॉर द मार्केट रिफॉर्म मार्केट रिफॉर्म के लिए भी काफी फेमस है अलाउद्दीन खिलजी नेक्स्ट है बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाई बहमनी किंगडम काफी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन अलाउद्दीन हसन फाउंडेड द बहमनी किंगडम नेक्स्ट है आपका हु इशू द टोकन करेंसी इन कॉपर क्वाइन बिटवीन दर्टीन ट्वेंटी नाइन एटी टू एंड थर्टीन थर्टी बेसिकली यहां पे जो ये टोकन करेंसी है इज वेरी फेमस दिस इज द फुलिस डिसीजन ऑफ दिस किंग एंड दिस किंग इज ऑल्सो नोन एज अट्रिक किंग इन हिस्ट्री सो वट इज द नेम ऑफ दैट किंग सो अलाउद्दीन खिलजी ग्यासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बीन तुगलक फिरोज शाह तुगलक सो यहाँ पे याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक का जो पीरियड था ही इज वेरी फेमस फॉर हिज फेलियर इसके तीन डिसीजन काफी फेलियर है एक तो कैपिटल चेंज फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद एंड टोकन करेंसी एंड दोहाब का टैक्स टैक्स इंक्रीज कर दिया था इसने अब इसको हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो पूरा डिटेल में आप स्टडी करते हो कि व्हाट वाज द रीजन एंड व्हाई ही इज नोन एज अ किंग ऑफ फेलियर या इस्ट्रिक किंग भी बोलते हैं सन की राजा भी इसको बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है यहां पर द बैटिल ऑफ पानीपत बाबर फेस द आर्मीज ऑफ सो इन बैटल ऑफ पानीपत जो बेसिकली बाबर का फाइट हुआ था किसके साथ हुआ था तो जैकशन हेमू दौलत खान एंड इब्राहिम लोदी सो so याद रखना बैटल ऑफ पानीपत बाबर के साथ जो हुआ था इट वाज द बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोदी 1526 1526 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि कभी हुआ था किनके बिटवीन हुआ था हु डिफेडेड हु द क्वेश्चन में बी आस्क लाइक दैट सो दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चन मैंने मैंशन कर दिया बट इफ यू आर प्रिपेरिंग सीरियसली सो डिटेल इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द मेनूअर जी के सेक्शन का जो कोर्स है आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है जिसमें हम पूरा हिस्ट्री से रिलेट करके सारी अच्छी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट को एक स्टोरी एक स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करते हैं मतलब कि अगर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछे ईजिली आप आंसर कर सकते हो नेक्स्ट है यहाँ पे हु द फॉलोइंग सिख गुरु हैड लेड द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर सो गुरु अमर दास रामदास अर्जुन देव एंड हरिगोविंद सो वट इज द करेक्ट आंसर सो गुरु रामदास पे आप रिमेंबर रखोगे रिलेटेड टू सिखिज्म शिवाजी सबमिटेड टू जय सिंह एंड साइन द ट्रीटी ऑफ सो शिवाजी महाराज बेसिकली एंड जय सिंह के बिटवीन जो ट्रीटी हुई थी सो दिस ट्रीटी इज रिलेटेड टू पूना पुरेंदर कोकन एंड सूरत सो इट्स रिलेटेड टू पुरेंदर पुरेंदर की जो ट्रीटी काफी फेमस है 1665 रिमेंबर रखना 1665 की काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है नेक्स्ट वेयर वाज द संत कबीर बॉन ऐसे रैंडम क्वेश्चन भी रैंडम नहीं है बट इंपॉर्टेंट है ऐसे ही मतलब जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाते हैं तो आपको बहुत डिटेल में काफी अच्छे से रिवाइज करना होगा इसके लिए आपके पास राइट कंटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पे जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं दिस क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द क्वेश्चन बाय द वे माय सजेशन विल बी कि अच्छे कंटेंट को फॉलो करो रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करो दिल्ली वाराणसी मथुरा एंड हैदराबाद सो करेक्ट आंसर विल बी वॉट वाराणसी नेक्स्ट इज अत्योधक समाज ऑल्सो कॉल द ट्रक सीकर सोसाइटी वॉज स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मर बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जितने भी हिस्ट्री एंड मॉडर्न पार्ट में मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इट मीन्स लाइक आर एस समाज के फाउंडर ब्रह्म समाज के फाउंडर राजा राम मोहन राय वाधव फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज सत्यशोधक समाज जो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हो आहमदिया मूवमेंट रिलेटेड टू मुस्लिम रिफॉर्म एज वेल एज स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी विवेकानंद स्टार्ट मैगजीन तो ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का पार्ट है इट्स नाइनटी परसेंट चांस क्वेश्चन में बी फ्रेम इन यूर एग्जाम को अच्छे से स्टडी कर लेना करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉट ज्योतिबा फुले नेक्स्ट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल मैग्ना काटा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में मैग्ना काटा इज कॉल वॉट सो उपैच मैकेले कमिशन वर ना कुल एक्ट बोथ ए एंड बी सो वट इज द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू यह क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस हुआ है ट्वेंटी ट्वेंटी में तो उस बेसिस पे अगर एग्जामिनर को लगा तो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ डिस्पैच नेक्स्ट है आपका हु फाउंडेड दल इंडिया हरिजन समाज इन नाइनटीन थर्टी टू वट इज द करेक्ट आंसर सो इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्मस महात्मा गांधी महात्मा गांधी रिमेंबर रखना हु वॉज द प्रोमिनेट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन सो लखनऊ से एटीन फिफ्टी सेवन का जो रिवोल्ट था हु कौन लीड कर रहा था तो बेगम हजरत महल रानी लक्ष्मीबाई कुंवर सिंह एंड बहादुर शाह जफर सो so, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत हजरतमल रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी झांसी से कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार एंड बहादुर शाह जफर फ्रॉम दिल्ली तो ये सारे लीडर्स बिलोंग तो करते हैं 1857 के रिवॉल्व से बट कौन कहाँ से लीड कर रहा था वो भी कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से फॉर्म हो जाएगा तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नेक्स्ट यहाँ पे हु स्पोक एट द हुफ मिड नाइट वेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया वेक टू लाइफ एंड फ्रीडम So, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टेटमेंट सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट पर्सनलिटी सो वट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन या फिर पर्सनलिटी जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था तो करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ओके okay, तो ऐसे जो और भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आप अगर से क्लासरूम या फिर अ, जो अ, जीके का प्रोग्राम अगर से आप उसको ज्वाइन करते हो तो उसमें सारे डिटेल्स में दिए गए नेक्स्ट है यहां पे सुभाष चंद्र बोस स्टेब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एक्ट बर्लिन बैंकॉक सिंगापुर एंड टोक्यो सो किस प्लेस पे इन्होंने बेसिकली जो फ्री इंडिया प्रोविजनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया था तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर रिमेंबर रखना रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन किस डेट को साइंड हुआ था तो इंपॉर्टेंट साइन एग्रीमेंट है बिटवीन द महात्मा गांधी एंड इरविन सो मार्च फाइव नाइनटीन सो कुछ इंपॉर्टेंट इस टाइप के जैसे महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर बिटवीन जो साइन हुआ था पूना पैक्ट सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन दिसंबर नाइनटीन जीरो सिक्स एक्ट सो यहां पर नाइनटीन जीरो सिक्स में जो मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन है तो ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड प्लेस इज ऑल्सो सो डाका 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 विच इज कैपिटल ऑफ बांग्लादेश करेंटली तो रिमेबर रख सकते हो नेक्स्ट है हु आर द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जो टाइप के क्वेश्चन होते फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल या फिर जो भी फर्स्ट सुपरलेटिव एंड फर्स्ट मैन एंड वुमेन इस टाइप की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए यहां से मोस्टली यू विल सी द वन क्वेश्चंस जो फर्स्ट मैन और वुमेन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट सी राजा गोपालाचारी इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट है आपका पार्ट ट्वेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कवर्ड बाई द आर्टिकल थ्री मेंशन सो बेसिकली इन दिस आर्टिकल वट द थिंग इज मैंशन टेम्परे ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन एंड ऑफिसियल लैंग्वेज

मेंट्री सिस्टम हो दीज ऑल द थिंग इज इंपोर्टेंट एज पर एग्जाम की योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर रिलेटेड टू द फीचर ऑफ द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इसके सारे फीचर एंड बॉर फ्रॉम विच कंट्री सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा uh, वे मेर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ऑफ जर्मनी नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कॉल्ड बाई बी आर अंबेडकर एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बी आर एक तो पूछा जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन है ओके okay, तो यह सब सारे जो क्वेश्चन बी आर अंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम इनको काफी अच्छी प्रैक्टिस करो आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स टू करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 टू सो एज पर बी आर अंबेडकर वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट ओके हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी बोल सकते हो नेक्स्ट यहाँ पे द दाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया इज तो इंडिया का जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है जो इंडिया गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो एडवोकेट जनरल ही इज कॉल्ड एडवोकेट जनरल एडिशनल जनरल जनरल आर नन ऑफ दीज करेक्ट आंसर इज ऑन अटॉर्नी जनरल एंड स्टेट लेवल का जो हाइएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में एंड ही इज इज कॉल्ड कॉल्ड ही एडवोकेट एडवोकेट जनरल ओके इसी में एक और पोस्ट होता है सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल जो हेल्प के लिए होता है अटॉर्नी जनरल के अटॉर्नी जनरल के हेल्प के लिए होता है सॉलिसिटर जनरल ओके और एडवोकेट जनरल एडवोकेट जनरल जो प्रेजेंट करता है वो स्टेट को प्रेजेंट करता है स्टेट का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा सो देखो ये फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं मैं ऐसे क्वेश्चन काफी होते हैं मैंने पहले भी सजेस्ट किया कि प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से मावालकर हुक्म सिंह बी डी जाति वी की वी वी गिरी सो so, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मावालकर मावालकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा नेक्स्ट देंबर ऑफ द लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ सो लोकसभा का जो बेसिकली पीरियड होता है ये कितने ईयर्स के लिए होता है तो एज पर द इलेक्शन आने वाला है लोकसभा के इलेक्शन तो लोकसभा से रिलेट करके भी काफी अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइव फाइव ईयर नेक्स्ट है द मिनिमम एज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन टू द लोकसभा तो लोकसभा के लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए एंड राज्यसभा के लिए कितनी एज होनी चाहिए तो ये सब जो सारे क्वेश्चन है ना रिलेटेड टू द इंडियन पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है तो ट्वेंटी फाइव ईयर फॉर द लोकसभा एंड थर्टी ईयर फॉर द राज्यसभा ओके okay, राज्यसभा के लिए थर्टी ईयर है नेक्स्ट यहाँ मेंबर ऑफ द राज्यसभा के जो होते, उनका था वो फाइव ईयर जो अभी हमने देखा okay, लोकसभा के लिए जो मैंने बताया थर्टी ईयर मिनिमम होना चाहिए नेक्स्ट द कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी प्रपोज बाई तो यहाँ पे एनी फिफ्टी सिटीजन ऑफ इंडिया एनी फिफ्टी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एनी फाइव मेंबर ऑफ द इलेक्ट्रल ट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड मीटिंग ऑफ द लोकसभा इट मीन की कम से कम कितने लोग तो so कि लो पार्लियामेंट में होने चाहिए मेबर ऑफ पार्लियामेंट की जो इसको कोरम बेसिकली बोलते हैं कि आप वहां पे मीटिंग या डिस्कशन कर सकते हो अगर उससे कम है तो फिर मीटिंग और पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो कम से कम टेन परसेंट या फिर फिफ्टी 50, 50, uh, चाहिए फिफ्टी मेंबर होने चाहिए उस कोरम को उस सेशन uh, को चलाने के लिए ओके okay, तो कम से कम फिफ्टी मेंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर द लोकसभा टू स्टार्ट एनी सेशन नेक्स्ट द पावर ऑफ द रेस्ट विथ टर्मिनेट like कर देना तो लोकसभा को टर्मिनेट करने का तो बेसिकली ये पावर किसके पास होता है तो स्पीकर के पास प्रेसिडेंट के के पास पास प्राइम प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर द द फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास इज द नेम ऑफ द पोजिशन जिसके पास ये पावर होता है प्रोरोग इट मीन टर्मिनेशन का द लोकसभा तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट so प्रोरोग टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द राज्यसभा लोकसभा एंड ऑर्डर मेड बाई द प्रेसिडेंट ओके सो काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली दिस द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया इज इंडिया इज सावर सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सॉवरन सोशलिस्ट सेटिक रिपब्लिक रिप्लिक विद मीस को पियाम्बल से रिलेटेड से पूछा है तो बेसिक अंडस्टैंडिंग होनी चाहिए इंडिया इज अवर सोशलिस्ट सेक्यूर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेक्स्ट यहां पर ऑफिस इज कंडक्टेड टू द प्रेसिडेंट बाई सो ओथ ऑफ द ऑफिस कंडक्टेड द प्रेसिडेंट तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाने वाला होता है तो कौन दिलाता है उसको द स्पीकर ऑफ लोकसभा द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वन ऑफ दीज सो so, प्रेसिडेंट को बेसिकली यहां पे आ, कौन ओथ दिलाता है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमेंबर रखो द ऑफ ऑफिस कंडक्टेड टू द प्रेसिडेंट बाई द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ स्पोक्स इन चक्र इन इंडियन फ्लैग इज इट मीन जो इंडियन फ्लैग Uh, में जो ये चक्र होता है इसमें कितने स्पोक्स आर इसको जो हिंदी में बोलते हैं तीलियां कितने uh, तीलियां होती हैं तो ट्वेंटी थर्टी थ्री ट्वेंटी फोर एंड फोर्टी सो देखो यहां पे ये इंफॉर्मेशन तो ईजी है इजिली आई होप कि सबको पता होगा बट ये वाला क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने का चांस होगा इट वॉज एडोप्टेड ऑन कौन से डेट को इंडियन फ्लैग को एडॉप्ट किया गया था तो जुलाई ट्वेंटी टू नाइनटीन फोर्टी सेवन सो दिस क्वेश्चन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस क्वेश्चन सो बाई द वे अपडेट रहो इससे आप मोस्टली आई थिंक अवेयर रहोगे बट ये वाला इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट द फॉलोइंग इज आवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड मैग्ना काटा सो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ मैग्ना काटा सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटीज पियांबल फंडामेंटल राइट्स सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल इज राइट इज ट्रीटेड आर कॉल्ड एज अ मैग्ना का्टा इट मीन राइट ऑफ द पीपल ओके नेक्स्ट है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर पीरियड ऑफ देखो ये क्वेश्चन भी इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज एज पर द करंट अफेयर कंटिन्यू ये पोजिशन डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन से काफी न्यूज में है ओके तो कितने ईयर के लिए होता है इलेक्शन कमिश्नर का बेसिकली जो पर्सन होता है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्स ईयर आर टिल द एज ऑफ एवर इज अर्लियर ये दोनों पूरा स्टेटमेंट याद रखना सिक्सटी फाइव भी याद रखना एंड सिक्स ईयर भी रिमेंबर रखना ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है मोस्टली नेक्स्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इलेक्शन कमीशन वॉज स्टैब्लिश सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एज पर द ट्रेंड एज पर द न्यूज मे बी पॉसिबल फॉर योर एग्जाम सो इलेक्शन कमीशन रिलेटेड आर्टिकल्स पावर हु इज अ करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सब सारे फैक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है हु द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया तो यहाँ पे जो पूछ रहा है हु द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सो सुकुमार सेन सुकुमार सेन आप रिमेंबर रखोगे नेक्स्ट यहाँ पे इन विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट द रूलर आर इलेक्टेड बाई द पीपल सो इन ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक एंड मार्शल लॉ एंड एरेस्टोक्रेटिक्रेटिक तो किस टाइप में जिसमें गवर्नमेंट एज पर द पीपल पीपल इलेक्ट होती है तो इट्स कॉल्ड व्हाट डेमोक्रेटिक ठीक है तो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल नेक्स्ट वन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है या फिर एक्स ऑफिसियो मेंबर बोल सकते हो तो वहां पे जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है तो राज्यसभा में कौन होता है चेयरमैन होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाइस स्पीकर ऑफ लोकसभा इस पोजिशन को होल्ड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेक्स्ट वन दैलरी एंड अलाउंस टू देंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर डिसाइडेड बाई कौन डिसाइड करता है प्रेसिडेंट कैबिनेट पार्लियामेंट एंड फाइनेंस कमीशन सो वट इज द नेम ऑफ द Uh, so parliament. Parliament uh, कितने हो सकते हैं तो करेक्ट आंसर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन टू अभी देखो ये चेंज uh, भी हो गया 5, ओके तो एज पर द प्रोविजन आर्टिकल 81 लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम 552 मेंबर आउट ऑफ द 552 53 शैल बी द इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट एंड 20 शैल बी रिप्रेजेंटेड अभी ये 550 हो गया तो 550 याद रखना नेक्स्ट इफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा वांट टू रिजाइन हु डज ही रिजाइन सो so, अगर से लोकसभा के स्पीकर रिजाइन देना चाहता है तो किसको अपना रिजिग्नेशन देगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिप्टी स्पीकर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना रिजिग्नेशन किसको देगा स्पीकर सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डिप्टी स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन देगा नेक्स्ट यहां पे विच स्टेट द हाइएस्ट लोकसभा सीट इन इंडिया किस स्टेट के पास हाइएस्ट लोकसभा सीट है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार एंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो मे बी आज बिकॉज एज पर द करेंट ट्रेंड जो इलेक्शन चल रहा है जो 2024 का जो इलेक्शन है इट इज अटीन एडिशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन और काफी इंपॉर्टेंट इसमें कुछ स्टेट रोल प्ले करने वाले हैं तो आपसे जो स्टेट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है एट्टी तो अगर से ये काफी न्यूज में रहा तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में नेक्स्ट है टू इंपीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडोप्टेड फ्रॉम जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए दिस इज अ कॉपी या फिर बारोड फ्रॉम विच कंट्री सो सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यूएसए यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके सो दैट्स इट इंपॉर्टेंट फिफ्टी क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड दीज ऑल द क्वेश्चन आर एज एक्सपेक्टेड फॉर द सीमेट एग्जाम और इसी टाइप के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम्स में आते हैं सो गाइज प्रैक्टिस दस टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट एंड बिफोर प्रैक्टिस द क्वेश्चन इट इम्पॉर्ट यू शूड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द थेरेटिकल फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ी सी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस टाइप का जो थेरेटिकल इन्फॉर्मेशन है चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चाहे मगध पीरियड हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो सो so वान्स उसको अगर से अच्छे से रीड करने के बाद वेन यू विल प्रैक्टिस द एजाम रिलेटेड क्वेश्चन तो काफी ईजी वे में आपके अपडेट्स हो जाते हैं सेम फॉर द अर सेक्शन ऑल्सो फॉर एक्जाम्पल मैथमटिक्स के लिए भी रीजनिंग के लिए भी सो हियर इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू स्टार्ट यूर प्रिपरेशन विद मेनुअर सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेरिंग योर सेल्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यहां पर आपको फुल कोर्स वेर यू विल गेट द वीडियो लेक्चर जिसमें सारे शॉर्टकट्स होते हैं आई विल शो यू द प्रोग्राम यू कैन विजिट अवर वेबसाइट यू कैन टाइप मेनुअर दिस वेबसाइट एंड यू कैन क्लिक बाई ऑनलाइन एंड एम बी एंट्रेंस सो वेन यू विल विजिट दिस पेज so सी here इन अ फुल कोर्स फुल कोर्स यू विल सी the सेल्फ स्टडी प्रोग्राम and in सेल्फ स्टडी प्रोग्राम यू विल गेट get ऑल द वीडियो रिलेटेड टू द मैथमटिक्स जी के रीजनिंग एंड इंग्लिश जिसमें सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं एंड जीके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं विच यू कैन वॉच एंड देन कैन प्रैक्टिस द क्वेश्चन सो इट विली वेरी हेल्पफुल अदरवाइज इफ यू आर स्ट्रगलिंग इन एनी पर्टिकुलर सेक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर से जी सेक्शन को ही लेके आपका डाउट है एंड अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो here,

अदरवाइज स्टडी मेटेरियल फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू गेट अ गुड बुक्स स्टडी मेटेरियल ई बुक्स प्रोग्राम विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओके सो फॉर एनी डाउट एनी क्वेरी गाइज सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर काउंसिलर विल गाइड यून अ बेटर वे सो इन दिस वे यू कैन स्टार्ट यूर प्रिपेशन एंड गेट अ गुड स्कोर एंड कंटिन्यूस वीडियो सीरीज को फॉलो करते रहना दिस वीडियो सीरीज विल भी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन एंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड वन मोर थिंग इफ यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर सम वन जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईर के लिए प्लान कर रहे तो अगर मुंबई बेसो सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिप्रेशन विथ अस एंड ज्वाइन द क्लास रूम प्रोग्राम एट वसई दादर अंधेरी थाने बोरीवली एंड वेरी सुन वी आर कमिंग पुण एंड इफ यू आर आउट ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई सो यू कैन ज्वाइन अस फॉर द क्लास लाइव क्लासेस सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर सारे के सारे फैकल्टी एक्सपर्ट फैकल्टी है हम कंटिन्यू एग्जाम्स लिखते रहते एग्जाम को अंडरस्टैंड करते रहे अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम्स, देन वी विल गाइड एंड उसी डिफिकल्टी लेवल के साथ रेलिवेंट मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड करते रहते सो इफ यू विल ज्वाइन इफ यूनोल्स टाइप ऑफ द प्रोग्राम सो डेफिनेटली यू विल स्कोर बेटर एंड यू कैन कन्वर्ट द टॉप कॉलेजेस ओके सो दैट्स इट फ्रॉम इन दिस पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी एंड पॉलिटी से रिलेट करके क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी एनी सजेशन सो प्लीज आस्क इन कमेंट ओके सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट जय हिंद